तो अगर हम लोग WWE के अंदर ब्रूटल मैचेस की बात करते हैं तो डेफिनेटली एक माइंड में आपके नाम आएगा, वो नाम होगा अपने ब्रॉक लेसनर का, कि हाँ भाई ब्रॉक लेसनर के जो मैचेस हैं उनमें से काफी ज्यादा मैचेस ब्रूटल भी होते हैं, जहां पर लेसनर मुक्के मार मार के अपोनेंट के खून निकाल देते हैं। आपको याद होगा एक समर स्लैम का मैच जहां पर ब्रॉक लेसनर ने फेस किया था रैंडी ऑर्टन का, इस मैच की एंडिंग भी काफी ब्रूटल एंडिंग थी। और भाई रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील हुआ इस मैच को लेकर, क्या ब्रॉक लेसनर ने जो यहां पर मुक्के मारे थे, जो खून निकला था, वो रियल था या फिर नहीं? तो जरूर मेरे हिसाब से आपको एक बार ये सीक्रेट जान लेना चाहिए। साथ ही में रोमन रेंज, जिमी और जे उसो का आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर होने वाला है, इसको लेकर एक अपडेट आई है सामने, और कब तक जे उसो करेंगे WWE के अंदर रिटर्न। और रिसेंटली अपने फिनोमिनल वन एज स्टाइल्स ने भी एक काफी कमाल की स्टोरी रिवील की है कि क्या हुई थी उनके और अंडरटेकर के बीच बातचीत, क्योंकि अंडरटेकर ने भेजा था एक गिफ्ट एज स्टाइल्स को उनके बोन यार्ड मैच के बाद। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं ब्रॉक लेसनर के साथ में, और ब्रॉक लेसनर का जो सीक्रेट रिवील हुआ रिसेंटली उनके और रैंडी ऑर्टन के समर स्लैम के मैच को लेकर। अब ये जो भाई सीक्रेट है वो रिवील करते हैं उसी मैच के रेफरी मैच ही हो दो। मैच ही हो तो बताते कि अभी फिलहाल ये जो मैच था WWE के अंदर एक बहुत ज्यादा हाइप्ड मैच था उस टाइम, सभी चाहते थे कि हाँ भाई रैंडी ऑर्टन जैसा जो लेजेंड है वो फेस करे अपने लेसनर का, जो कि डोमिनेशन पर उतर आए थे उस टाइम। और यहां पर इस मैच की एंडिंग के अंदर हमें दिखाई दिया था कि जो लेसनर है वो मुक्के मार मार के रैंडी ऑर्टन के सिर से खून निकालते हैं। माइक चाहिए तो इसके पीछे की जो पूरी स्टोरी है वो हमें रिवील करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं देखो होता क्या, पहले इस मैच की जो एंडिंग है वो नॉर्मल प्लान की गई थी कि लेसनर इस मैच में रैंडी ऑर्टन को हराएंगे, लेकिन एक दिन जो ब्रॉक लेसनर है वो सीधा जाते विंस मैकमैन के ऑफिस के अंदर, वो जाते क्रिएटिव टीम के पास में, और यहां पर वो कहते हैं इस मैच की एंडिंग जो है लेसनर को चाहिए ब्रूटल एंडिंग, कि वो मुक्के मार मार के रैंडी ऑर्टन के सिर से रियल में खून निकाल दें। और सरप्राइज वाली बात है माइक चाहिए तो कहते हैं मुझे विश्वास नहीं होता है, WWE इस चीज से कुछ ही सेकंड्स के अंदर एग्री हो जाती है। फिर वो रैंडी ऑर्टन को बुलाती है और बताती है रैंडी ऑर्टन को कि हाँ भाई तुम्हें आखिरी में मार खानी पड़ेगी असली में ब्रॉक लेसनर से। अब माइक चाहिए तो कहते हैं ये चीज मुझे सही में उस टाइम बहुत ज्यादा वियर्ड लगी कि WWE इतनी जल्दी कैसे रेडी होगी इतने खतरनाक सीन के लिए, इतनी खतरनाक एंडिंग के लिए। और वो कहते हैं रैंडी ऑर्टन को जो वहां पर इंजरी हुई थी, जो खून निकला था, उसके बाद जो भी उनके पट्टियां वगैरह हुई थी, जो भी हॉस्पिटल वगैरह गए थे, वो सभी चीजें एकदम रियल थी, और यहां पर सही में रैंडी ऑर्टन ने उतनी ज्यादा बुरी मार खाई थी समर स्लैम के अंदर। वैसे ये काफी ज्यादा सरप्राइज वाली चीज है कि हाँ भाई रैंडी ऑर्टन इतनी तगड़ी मार सहेगे, वो भी लेसनर के हाथों से, और WWE इतनी जल्दी एग्री हो गई। और इस बड़े सीक्रेट को लेकर आपका क्या सोचना है जरूर बता सकते हो अपना ओपिनियन कॉमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और ये जुड़ी अपने फिनोम द डेड मैन अंडरटेकर के बारे में। और अंडरटेकर और एजे स्टार्स का जो बोनयार्ड मैच है, डेफिनेटली आप सभी को याद होगा मेरे हिसाब से WWE की हिस्ट्री के अंदर वो वन ऑफ दी बेस्ट सिनेमैटिक मैच था। और अगर मैं रैंक करूं सिनेमैटिक मैचेस को तो बोनयार्ड मैच डेफिनेटली सबसे ऊपर आएगा। अभी यादगार मैच जरूर था क्योंकि ये अंडरटेकर के मे बी आने वाले टाइम में करियर का एक आखिरी मैच हो सकता है, और मेरे हिसाब से बिना लाइव फैंस के अंडरटेकर की करियर की इससे ज्यादा बेहतर एंडिंग बिल्कुल नहीं हो सकती है। मे बी हो सकता है जब लाइव फैंस है तो WWE में प्लान के अंदर चेंजेस करती हुई नजर आए, लेकिन होता है रिसेंटली अंडरटेकर के बोनयार्ड मैच के अपोनेंट अपने फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स का इंटरव्यू, और एजे स्टाइल्स से इस इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि आपके और अंडरटेकर के बीच क्या बातचीत हुई थी जब रेसलमेनिया 36 के अंदर हुआ था एक बहुत ही फैंटास्टिक बोनयार्ड मैच। एजे स्टाइल्स कहते हैं हाँ जैसे ही मैच खत्म होता है उसके अगले दिन ही मैं अंडरटेकर की वाइफ को फोन करता हूँ यानी कि मिशेल को, उनसे मैं कहता हूँ कि भाई अंडरटेकर से बात कराओ क्योंकि मुझे अंडरटेकर को कोई ना कोई तोहफा भेजना। एजे स्टाइल्स कहते हैं मैंने ये वाली लाइन इसलिए कही क्योंकि मुझे भी अंडरटेकर से इस यादगार मैच के लिए गिफ्ट चाहिए था, और भाई रिटर्न गिफ्ट तो जरूर अंडरटेकर भेजेगा ही अगर मैं उसको कोई गिफ्ट दूंगा। और यहाँ पर एजे स्टाइल्स बता दे तुरंत जो मिशेल है पूछती है अंडरटेकर से, और अंडरटेकर यहाँ पर ये कहते हैं कि एजे स्टाइल्स ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम अपने जो ग्लव्स हैं ना जो फिनोमिनल वाले ग्लव्स हैं उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करके तुम मुझे भेज दो और मैं यही सेम चीज तुम्हारे लिए करूंगा, मेरे जो ग्लव्स हैं उसके ऊपर मैं अपने सिग्नेचर करने वाला हूँ और वो तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा। अब एजे स्टाइल्स कहते हैं इस चीज को सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं इस इंडस्ट्री के इतने बड़े लेजेंड से इतना बड़ा गिफ्ट मिलना और स्पेशली इतने बड़े मैच के लिए जो कि मे बी उनके करियर का एक आखिरी मैच था, एजे स्टाइल्स के लिए काफी ज्यादा सम्मान वाली बात थी कि हाँ भाई एजे स्टाइल्स को अंडरटेकर गिफ्ट भेज रहे हैं। और एजे स्टाइल्स कहते हैं तुरंत मैंने ग्लव्स भेज दिए भाई अंडरटेकर को, और जैसे ही अंडरटेकर का रिटर्न गिफ्ट आया एजे स्टाइल्स के लिए, उन्होंने ग्लव्स देखे अंडरटेकर के, एजे स्टाइल्स कहते हैं मुझे लगा हाँ भाई अब सब चीजें मैंने इस दुनिया के अंदर अचीव कर ली हैं। तो भाई ये कुछ वो बातें थी, ये वो कुछ चीजें थी जो की हुई थी रेसलमेनिया 36 के एक फैंटास्टिक फैंटाबुलस बोनयार्ड मैच के बाद, और जरूर अंडरटेकर के लिए और WWE फैंस के लिए ये हिस्ट्री के अंदर एक बहुत ज्यादा यादगार मैच रहेगा। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, और ये जुड़ी है अपने रोमन रेंज, जिमी और जे उसो के बारे में। और
और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी फैंस के मन में कि जे उसो अचानक कहां गायब हो गए और जिमी उसो ने क्यों रिप्लेस कर दिया, क्या आने वाले टाइम में फ्यूचर होगा, इसमें रोमन रेंस का क्या रोल होने वाला है। रिसेंटली इसको लेकर कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ी जो रिपोर्ट्स है, जो न्यूज है वो आ चुकी है सामने। और भाई ये जो अपडेट है वो आती है रिंग साइड न्यूज की तरफ से सामने, और रिंग साइड न्यूज ये बात रिवील करता है कि अभी फिलहाल बैक स्टेज से जो उन्हें कहानी पता लगी, जो उन्हें स्टोरी पता लगी है, जो फ्यूचर प्लान्स होंगे इन तीनों भाइयों के, वो ये होने वाले हैं कि आने वाले टाइम में जे उसो की जो जगह है वो जिमी उसो हमें पूरे तरीके से लेते हुए नजर आएंगे। जे उसो अब तक WWE से कितने टाइम के लिए बाहर रहेंगे इसका कोई भी आइडिया बैक स्टेज के ऊपर नहीं है। बस हाँ ये बताया गया कि जिस तरीके से हमने जे उसो को एक जे उसो से मेन इवेंट है जे उसो बनाया, वैसे ही आपको जिमी उसो को एक मेन इवेंट है जिमी उसो बनाना है। जे उसो कितने टाइम के लिए बाहर रहेंगे जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ उसका भी फिलहाल किसी को भी कोई आइडिया नहीं है। और जिमी उसो का WWE इतने अच्छे तरीके से यूज इसलिए करना चाहती क्योंकि एक लंबा टाइम हो गया था जिमी उसो ने रिंग के अंदर कम्पीट नहीं किया था, तो उन्हें यही लगा कि उन्हें जे उसो को थोड़े दिन के लिए रेस्ट दे दिया जाए, इसलिए WWE की स्टोरी से अचानक से हम बाहर जाते हुए नजर आते हैं। और आने वाले कुछ दिनों तक, आने वाले में भी कुछ महीनों तक भी हो सकता है, हमें जिमी उसो कमाल की परफॉर्मेंसेस देते हुए नजर आए और एक तरह के वो बनते हुए नजर आए रोमन रेंस के न्यू राइट हैंड मैन। जो रोमन रेंस का जो रोल होने वाला है पूरी स्टोरी के अंदर वो ये कि स्टार्टिंग में वो जिमी उसो के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके जिमी उसो अपना विश्वास बनाने वाले रोमन रेंस के ऊपर और आने वाले टाइम में वो उन्हें देने वाले धोखा। कुल मिला के मजा आने वाला है और देखते हैं भाई किस तरीके से पूरी स्टोरी हमें आने वाले टाइम में फोल्ड ऑन होती हुई नजर आती है, किस तरीके से चीजें होती है और क्या जे उसो आने के बाद रोमन के अगेंस्ट होते हैं या फिर वो होते हैं अपने भाई जिमी उसो के अगेंस्ट। आई थिंक ये चीजें जरूर देखने लायक होंगी। जहां तक मेरा आइडिया वो ये होगा कि भाई जे उसो वापस आएंगे और वो जिमी को कहेंगे कि तुमने रोमन रेंस की पूरी चीज के अंदर मेरी जो राइट हैंड मैन वाली जगह थी वो तुमने ले ली, और शायद आने वाले टाइम में एक मैच हो जाए जिमी वर्सेस जे, जो विनर होगा वो होगा रोमन रेंस का राइट हैंड मैन। मजा आने वाला भाई आने वाले टाइम में जो रोमन की पूरी स्टोरी है स्मैकडाउन के अंदर वो डेफिनेटली कमाल धमाल हमें करती हुई नजर आएगी। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है डेफिनेटली आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, अभी तक अगर आपने मेरी बकबक सुनी ली है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को तो जरूर ऑन कर ही देना ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नौवे फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।